कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में कोई पूजा आ रही हो और आपके पीरियड्स आ गए हों? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो चलिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण की कथा में से ही आपको देते हैं। आशा करती हूँ आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया करके कान्हा जी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी तो आगे चलकर मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच सकेंगे। चलिए कथा को सुनते हैं। देखो भाई, कभी कभी ऐसा योग होता है, शायद आपके कुटुंब में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में भी ऐसा कहीं आपको देखने को मिला होगा कि जब जब घर में कोई सत्कर्म करने का समय आता है, घर में कोई पुण्यमय कार्य करने का समय आता है, घर में कोई अच्छा धार्मिक आयोजन होने वाला रहता है, तो कोई कोई स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होता तो वो रजो धर्म में आ जाती। व्याख्यान वर्णन लिखा है इसके लिए, तो कहा कि वो नारी जिसके मुख से अगर कोई घर में धार्मिक कार्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, और उसके मुख से अगर एक बार निकल गया कि नहीं, अरे ये अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, तो वो अगर कार्यक्रम होगा भी ना तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकता, उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, क्योंकि उसके मुख से एक बार निकल गया कि नहीं अभी नहीं, आज को बाद में करा लेंगे, सत्यनारायण जी की कथा बाद में करा लेंगे, भागवत जी बाद में करा लेंगे, शिव पुराण बाद में करा लेंगे, जब समय होगा तब करा सकते हैं, तब देख लेंगे, अपन आराम से उसको करवा लेंगे जब मौका, तो वो उसके मुख से जो नहीं निकला है तो वो धार्मिक आयोजन में अगर आ भी जाए, बैठ भी जाए, तो वो नहीं कर सकता, उसका क्रम नहीं बन सकता। तो आपने सुना कि ऐसा क्यों होता है? जब भी आपके मन में कोई भी व्रत का, पूजा का, पाठ का संकल्प आए तो उस संकल्प को श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य ही काम में लाए, उसे टाले नहीं। जिस दिन जिस तिथि पर आपने अपने पूजा को सोच रखा है कि आप करेंगे तो आप अवश्य ही उसे करें।